क्लास अलेवेंथ स्टूडेंट हम आपका थर्ड चैप्टर कर रहे थे बेटा तो हम इस चैप्टर में पीरियोडिक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे बेटा तो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स तो जो प्रॉ प्रो ट्रेंड्स होते हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पे तो फर्स्ट हमारा है टॉमिक तो एटॉमिक रेडियाई क्या करता है इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्राम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस तो ये डिस्टेंस को डिफाइन करता है जो हमारी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से होती है टू द आटरमोस शेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडिंग पॉन वेदर एंड एलिमेंट इज़ नॉन मेटल और मेटल तो क्या करते हैं ये चेक करता है हमारा एलामेंट नॉन मेटल है या मेटल है थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोमिक रेडियाई आर यूज तो थ्री जो हमारे टाइप्स हैं टोमिक रेडियाईज रेडियाई की दीज आर कोवालेंट रेडियस आइनिक रेडियस वंडरवर्ल्ड रेडियस एंड मटैलिक रेडियस तो इसमें से हम तीन को यूज़ करते हैं तो कोवालेंट जो रेडियस होता है हमारा इट इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम हेल्प टूगैदर बाय प्योरली कोवालेंट सिंगल मोन तो दो हमारे पास जो ऐटम होते हैं उनमें उनके बीच बॉन्डिंग होती है तो उस जो उसको शेयर करते उसकी हाफ ऑफ़ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं दसें मेरे पास ये है तो इनके बीच बॉन्डिंग हो रही है तो इसकी जो बीच वाली डिस्टेंस है ये वाली हमारी तो हम इसको क्या बोलेंगे कोवलेंट रेडियस तो नेक्स्ट इज आयनिक रेडियस में एस दी एफेक्टिव दी आएन, इट मे बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन आइन विच इट्स हैज़ एन इन्फ्लुएंस इन द आयनिक बॉन्ड तो ये क्या होती है इफेक्टिव डिस्टेंस होती है टू आयंस के बीच क्योंकि हमारे आयंस में कटाइंस और अनइंस होते हैं वन्डरवाल रेडियस तो वरवाल रेडियस क्या होता है एटम्स ऑफ ए नोबल गैसेज आर हेल्प टूगैदर बाई वीक वंडरवाल फोर्सेज तो ऐटम की जो नोबल गैसेज होती है वो इकट्ठा होती है वीक वॉल वीक वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है उनमें तो so, उसकी वजह से इकट्ठा होती है वो दंडरवल फो वंडरवॉल्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम नोबल गैस तो ये क्या होती है हाफ ऑफ डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ न्यूक्ली ऑफम ऐटम्स ऑफ ए नोबल गैसेज नेक्स्ट इज मटेलिक रेडियस तो ये डिफाइन करता है इट इज़ डिफाइंड एज ए हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू अर्जसेंट मेटल लाइंस इन द लैटिस तो ये मेटे मेटल लाइन होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है नेक्स्ट इज ए वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड तो ये हमें ग्राफ के थ्रू शो करेंगे अलॉन्ग ए पीरियड एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स जनरली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो ये देखो एल बी ई बी सी एन ओ एफ हमारे क्या है एटम तो पीरियड सेकंड के हैं और ये पीरियड सेकंड के हैं तो ये देखो लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है हमारी अटोमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है देखो वन फिफ्टी टू हेर इज़ वन अलेवन अलेवन एटी एट सेवन सेवनटी फोर सिक्सटी फाइव तो ये देखो अराउंड दी uh, मतलब लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है पीरियड के इंक्रीज डिक्रीज हो रही है सॉरी नेक्स्ट इज वेरिएशन इन ग्रुप तो वेरिएशन इन ग्रुप्स में क्या होगा द टॉमिक रेडियाई ऑफ ए एलिमेंट इन एवरी ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इंक्रीज एज वी डाउनवर्ड तो जब भी हम डाउनवर्ड में मूव करेंगे तो इसकी टॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी जैसे वन फिफ्टी टू वन एटी सिक्स तो डाउन दी पीरियड डाउन दी ग्रुप ये क्या होगी इंक्रीज होगी इसका ग्राफ शो किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है आपने बेटा लर्न करना है बुक पे है आपके नेक्स्ट इज आइनिक रेडियस तो आइनिक आइनिक रेडियस में क्या होता है तो आयनिक रेडिया क्या होती है ये डिस्टेंस होती है कटाइंस एंड आयंस आयन आएं, आइंस जो होते हैं हमारे अनइंस तो इन आयनिक क्रिस्टल्स तो आयनिक क्रिस्टल में हमारे पास अनयन एंड कंटाइन कटाइन फॉर्म होते हैं तो उसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको आयनिक रेडियस बोलते हैं नेक्स्ट इज कटाइन तो कटाइन क्या होता है दी रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटाइन तो जब भी हम रिमूवल करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो हमारे पास क्या होती है कटाइन की फॉर्मेशन होती है द रेडियस ऑफ कटाइन इज ऑलवेज स्मॉलर दैन दैट ऑफ द एटम तो रेडियस जो होता है कटाइन का तो हमेशा छोटा होता है उसके एटम से मतलब पेरेंट एटम से जो उसका एटम होता है बड़ा तो ओनाइन क्या होता है इसमें हम इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं द रेडियस ऑफ द आनाइन इज़ ऑलवेज लार्जर दैन दैट ऑफ द एटम तो रेडियस लार्जर होता है उसके एटम से नेक्स्ट इज एक टर्म दी गई है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम आइटम्स एंड आयंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कुछ आइटम्स और आयनस होते हैं जिनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वी कॉल दैम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ओ टू एफ एन ए एम जी तो ये हमारे पास क्या होती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं तो और इनका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेन होता है इनकी लेकिन रेडियई डिफरेंट होती है बिकॉज इनके न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट होते हैं ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा नेक्स्ट इज आपका आयोनाइेशन एनथेरेपी तो आयोनाइेशन थेरेपी क्या होती है ये ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट तो ये क्या होती है आइनाइशन थेरेपी एक स्पेशल एनर्जी होती है जिसमें रिमूव किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को उसकी आइसोलेटेड गैस से आइसोलेटेड गैसेस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट से मूव किया जाता है एम एम को जैसे हमारे पास एम जी है प्लस आइनाइशन थेरेपी उसको ब्रेक डाउन हुआ एम प्लस में और ई इलेक्ट्रॉन मूव तो यूनिट ऑफ आइनेशन थेरेपी किलोजूल मोल्स होते हैं आपके एंड यूनिट ऑफ आइनेशन पोटेंशियल इज वोल्ट एटम तो नेक्स्ट इज टर्म दी गई है एक ससेसिव आशन तो ये क्या होती है इफ़ ए गैसेज एटम इज से टू लूज मोर देन वन इलेक्ट्रॉन तो जब भी मतलब गैसेज एटम मोर देन से वन इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं दे कैन वी रिमूव वन आफ्टर द अदर सक्सेस एंड नॉट सिमटेनियसली दिस इज ए नोन सक्सेसिव आयोनाइशन थेरेपी तो आइनेशन थेरेपी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमें अलग अलग आयोनेशन थेरेपी चाहिए होगी जब हम फर्स्ट निकालना चाहते हैं सेकेंड निकालना चाहते हैं थर्ड निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट में कम और सेकेंड में और ज़्यादा हमें एनर्जी लगेगी ऐसे ये इंक्रीज हो जाती है फर्स्ट इज़ डेल्टा एच वन डेल्टा एच टू तो हम इसको ऐसे शो करते हैं तो ये देखो शो किया गया है ए एल में से रिमूव किया फाइव सेवेंटी सेवन उसमें से बाद एच टू को लिए ज़्यादा चाहिए और एच थ्री के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए और सबसे ज़्यादा हमारी एच थ्री होती है मतलब थर्ड आयोनेशन थेरेपी नेक्स्ट चीज इसकी वेरिएशन बताई गई है बेटा टेबल में शो की गई है तो वेरिएशन ऑफ आयोनेशन थेरेपी लॉन्ग ए पीरियड लॉन्ग ए पीरियड हमारे पास क्या होता है आयोन आयोनाइन थेरेपी आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन मूविंग क्रॉस लेफ्ट टू राइट बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड टॉमिक साइज डिक्रीज तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और टॉमिक साइज डिक्रीज होता है हमारा तो ये इसमें शो किया गया है आपका जब भी हमारे पास नंबर ऑफ इंक्रीज इन दंबर ऑफ मेन एनर्जी शेल्स तो क्या होगा हमारे पास ये इंक्रीज होगी ये टू फैक्ट्री स्पिट पैंड करती है देर इज़ आल्सो इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग फैक्ट डू टू द ग्रेजुअल इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन तो ये शो किया गया कैसे हमारी आईनाइशन थेरेपी चेंज होती है ग्राफ के थ्रू आपने देखना है इस ग्राफ को ड्रॉ करके देखना है बेटा तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एनथेरेपी तो ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इतना आपने अच्छे से करना है थैंक यू